हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल? ओके, सो इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट एनवीएस टीजीटी इंग्लिश एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस। ओके, तो सभी अपने नोट्सबुक्स निकाल लें और उसमें साथ साथ नोट डाउन भी करते रहें, क्योंकि जो भी एनवीएस का या केवीएस का या DSSSB का एग्जाम, ये सारे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं और इसमें क्लियर करने के लिए हमें सबसे पहले सिलेबस का मतलब नॉलेज होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज की इस वीडियो में हम लोग एनवीएस का टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस देखेंगे, उसको समझेंगे कि क्या क्या इसमें है और कैसा इसका एग्जाम पैटर्न है। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। आई हैव डन बैचलर्स इन इंग्लिश ऑनर्स, ओके, फ्रॉम किरोड़ीमल कॉलेज, एंड आई हैव डन माई बीएड फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड एमएड ऑल्सो इट इज ऑल्सो फ्रॉम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, एंड नाउ आई एम वर्किंग एज टीजीटी इंग्लिश इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन दिल्ली। सो ये तो हो गया एक छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा। अब हम देखते हैं कि स्लेब इसका एक एग्जाम पैटर्न कैसा है एनवीएस का। अगर हम देखें तो एनवीएस का एग्जाम है वो 6 पार्ट्स में डिवाइडेड है, ठीक है, जैसे कि आप सभी को यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। 6 पार्ट्स हैं, जैसे पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4, पार्ट 5, पार्ट 6, जिसमें पहला क्या है, रीजनिंग एबिलिटी, राइट, जनरल अवेयरनेस, नॉलेज ऑफ ICT, टीचिंग एप्टीट्यूड, और जो कि हमारा सब्जेक्ट नॉलेज है वो, और लास्ट पे जो है हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट, जिसमें जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी जो कि आएगा। ओके, तो ये तो हो गया। सेकंड पॉइंट जो है वो ये रहेगा हमारा कि जो हमारा हर एक क्वेश्चन है वो 1 मार्क का ही रहेगा, ठीक है, 1 मार्क वो करेक्ट आंसर। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी है, जिसका क्या होता है, 1/4 होता है मार्क हर एक इनकरेक्ट आंसर का, आपका नेगेटिव मार्किंग होगा। एनवीएस टीजीटी एग्जाम जो होता है वो बाइलिंगुअल होता है, उसमें इंग्लिश हिंदी आप किसी में भी दे सकते हैं। जो कि लैंग्वेज टेस्ट रहेगा उसमें तो लैंग्वेज ही आएगा, अगर हिंदी का होगा तो हिंदी में ही रहेगा, इंग्लिश का होगा तो इंग्लिश में ही रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं एग्जाम पैटर्न का। तो इसमें देखिए, जैसा कि मैंने कहा था, टोटल इसके 6 पार्ट्स हैं, राइट। पार्ट 1 में हमारा रीजनिंग है, जिसमें नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हैं, 10, टोटल मार्क्स इसका 10 हो जाएगा। उसी तरीके से हमारा जनरल अवेयरनेस है, जिसके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 10 और टोटल मार्क्स 10। उसी तरीके से ICT की नॉलेज, जिसके क्वेश्चंस 10 होंगे और 10 मार्क्स का भी यही होगा। फिर टीचिंग एप्टीट्यूड, जो कि हमारा 10 क्वेश्चंस आएंगे उसके और ये 10 मार्क का होगा। अब सब्जेक्ट नॉलेज है, जो कि हमारा 80 क्वेश्चंस आएंगे इसमें से और ये 80 मार्क्स का होगा, क्लियर। उसी तरीके से जो हमारा लैंग्वेज कॉम्पिटेंसी टेस्ट है, ये हमारा जनरल इंग्लिश और जनरल हिंदी, ये 15 मार्क्स हर एक लैंग्वेज का है, तो इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे और ये 30 मार्क का होगा। और जो आपका ड्यूरेशन होगा वो टोटल 3 आवर्स का होगा। और इस तरीके से आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने हो गए, 150, और आपके टोटल मार्क्स भी कितने हो जाएंगे, 150, ठीक है। तो ये है इसका पूरा पैटर्न, टीजीटी इंग्लिश एनवीएस 2022, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके कि क्या क्या इसमें आएगा। अब हम बात करते हैं सबसे पहले कि जो हमारा है टीजीटी इंग्लिश में क्या क्या आएगा। तो सबसे पहले इसमें आएगा आपका राइटिंग एबिलिटी, और उसमें उससे पहले आएगा आपका अनसीन पैसेज, ठीक
है, जिसमें 3 या 4 अनसीन पैसेज होंगे जो कि भाई मतलब 150 से 250 वर्ड्स के होंगे, और इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप के एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, इसमें वोकैबुलरी चेक करने के लिए भी आ सकता है, ठीक है, कॉम्प्रिहेंशन चेक करने के लिए भी आ सकता है, ये फैक्चुअल हो सकता है, ग्लोबल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। बेसिकली जो हम पैसेज करते हैं उसी तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। नेक्स्ट है हमारे पास राइटिंग एबिलिटी, जो कि सेक्शन बी में है। तो इसमें क्या है, इसमें हम ये दिखाता है कि कैसे हम फैक्ट्स को या किसी व्यूज को, किसी ओपिनियन को, हम कैसे एक कोहरेंट और लॉजिकल मैनर में हम उसे लिख रहे हैं या नहीं लिख रहे, तो ये हमें कैसे आता है। तो इसमें यही हो जाएगा, जैसे नोटिस, मैसेज, पोस्ट कार्ड, ऐसे टाइप में एमसीक्यू में क्वेश्चन आएगा। रिपोर्ट भी आ सकता है, किसी इवेंट, प्रोसेस और प्लेस के रिलेटेड, आर्टिकल, डिबेट, स्पीच बेस्ड ऑन विजुअल, वर्बल, है ना, ये सारे कुछ इसमें आ सकते हैं। और लेटर जो है, लेटर से तो क्वेश्चन आते जाता है, चाहे वो फॉर्मल इनफॉर्मल हो, ठीक है, और कई सारे लेटर्स होते हैं ना, जैसे कि लेटर टू डायरेक्टर, लेटर टू कंप्लेन, है ना, लेटर टू रिक्वेस्ट, डिस्क्रिप्टिव पर्सनल लेटर्स, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे राइटिंग में। अब हम आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है हमारा, हाँ नेक्स्ट है हमारा ग्रामर। तो ग्रामर में हमें क्या मिलेगा, इसमें टेंस, ओके, मॉडल्स, वॉइस, सब्जेक्ट वर्ब कॉन्कर्ड, उसके बाद से कनेक्टर्स, क्लॉजेस एंड पार्ट्स ऑफ स्पीच, ये हो जाएगा हमारा ग्रामर के लिए। तो ग्रामर के लिए अगर बात करें तो मैं स्पेशली अपने तरफ से कहता हूँ कि एसपी बक्सी जो है ग्रामर के लिए वो बेस्ट है। ठीक है, मैंने अपने DSSSB के लिए इसी से प्रिपेयर किया था, और मतलब इससे काफी हेल्प हुई थी ग्रामर के लिए, क्योंकि आप सभी को पता है DSSSB ने अचानक से पैटर्न मतलब वो दे दिया था जो कि अनएक्सपेक्टेड था। वहाँ पे लिटरेचर के हम लोगों को सिर्फ 5 क्वेश्चंस दिए गए थे, जबकि हम लोगों ने उसी की प्रिपरेशन ज़्यादा की थी। तो ये तो सही था कि ग्रामर हम लोगों ने थोड़ा सा पढ़ा था, तो फिर हमारा एग्जाम मतलब हो गया क्लियर, नहीं तो अगर ग्रामर नहीं होता अच्छा तो फिर मुश्किल था। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट की। तो ग्रामर में पंक्चुएशन और ये हमारा सिक्वेंसिंग टू फॉर्म ए कोहेरेंट सेंटेंस और पैराग्राफ, ये भी आएगा। अब बात करते हैं हम लिटरेचर की, जो कि हमारा है इसका लास्ट सेक्शन डी। अब इसमें क्या है, इसमें हम लोग जैसे जो लिटरेचर के हैं उनको जितना भी बीए की जो कोर्स कंटेंट है, ठीक है, जो तो आपका बीए का कोर्स कंटेंट है वो सारा उसमें से आपको एक बार रिवाइज करने की जरूरत है, ब्रशअप करने की जरूरत है। ठीक है, अब इसमें बेसिक जो मतलब मेनली जो है वो क्या पूछा जाता है, तो वो है शेक्सपियर्स वर्क, जैसे कि आपका हैमलेट हो गया, है ना, ओथेलो हो गया, ये सब और भी बहुत सारे हैं। और उसके बाद से इसमें रोमांटिक पीरियड से भी क्वेश्चंस आते हैं, जैसे शेली, वर्ड्सवर्थ, इन सब की पोएम्स आती हैं, कोलरिज, बायरन, है ना, इन सबको रिवाइज करना पड़ेगा आप सभी को। फिर आता है हमारा 19th एंड 20th सेंचुरी अमेरिकन और इंग्लिश लिटरेचर, इसमें कई सारे राइटर्स हैं जैसे रॉबर्ट फ्रॉस्ट, हेमिंगवे, टेडल्स, विटमैन, है ना, ये सारे के सारे, एमिली डिकिंसन, तो ये सारे के सारे इसमें आएंगे। उसके बाद हमारा मॉडर्न इंडियन राइटिंग भी आ जाएगा इसी में, अनिता देसाई, विक्रम सेठ, है ना, ये सारे के सारे इसमें आ जाएंगे, मॉडर्न राइटिंग भी आ जाएगा। तो ये पूरा हमारा लिटरेचर का पार्ट है। लिटरेचर के पार्ट के लिए सबसे पहले हमें जो है एक तो हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, ये आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बार आप इसे पढ़ लेना, ताकि ये लिटरेचर में बहुत हेल्पफुल है, इंग्लिश लिटरेचर की हिस्ट्री। इससे क्या होता है, हमें मतलब उनका थीम वाइज पता चल जाता है उनके एरा के हिसाब से कि हाँ किसमें कौन क्या था और क्या चल रहा था। उसके बाद से बाकी लिटरेचर के ऊपर हम लोग बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे, एक एक राइटर के बारे में पढ़ेंगे, उनके जो सिग्निफिकेंट वर्क हैं उनके बारे में भी डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास, तो ये जो था आपका पूरा एनबीएस का टीजीटी इंग्लिश का सिलेबस था, और आई होप कि आप सभी को समझ में आया, और अगर कोई भी मतलब कोई डाउट है या कोई क्वेरी है तो आप सब कमेंट्स में आप उससे डाल सकते हो। ठीक है, जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा तो मतलब
आई प्रॉमिस उसका जवाब आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं। और हाँ, लिटरेचर का बहुत जल्दी क्लास में शुरू करने वाला हूँ, तो लिटरेचर को हम लोग साथ में पढ़ेंगे, रिवाइज भी करेंगे। ठीक है, तो ओके चलिए, बाकी नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय ऑल ऑफ यू, बाय।